तो मुझे बताओ ये हत्या नहीं पुलिस ने की है क्या? बताओ कौन सी जान धरती पर कौन जांच करेगा? उस जांच में इस पुलिस को हत्यारा साबित करेगा, मैं दावे से कह सकता हूं। आज ये बचाने वाला गृह मंत्री आप है, लेकिन 23 के बाद ये गृह मंत्री खुद ही नहीं रहेगा तो बचाने वाला कौन आएगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेला दतिया नहीं, दतिया जिले की एक भी सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, मैं अपने हाथों से अपना मुंह काला कर जाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अकेली दतिया नहीं, तीनों सीट। और जब यहां पर कांग्रेस के तीनों विधायक रहेंगे, देश में दबदबा कांग्रेस आने वाला है, तीनों की सरकार हम लोग कांग्रेस को बनाएंगे। और यहां तो इतना बहुमत लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने नहीं मिलेगी कहीं पर। तो मुझे बताओ उस स्थिति में पुलिस कहां जाएगी बचकर के? ये कलेक्टर कहां जाएगा बचकर? ये एसपी कहां बचकर जाएगा? कहां जाएंगे तुम थानेदार लोग? कहां जाओगे पुलिस वाले लोग? और अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जांच में टाइम नहीं लगा, जांच में कहीं 2-4 महीने भी लगे, तो फूल सिंह बरैया इनको पकड़ करके भोपाल में इनकी चमड़ी काट के भूसा भरने का काम करें। बरैया इनको पकड़ करके भोपाल में इनकी चमड़ी काट के भूसा भरने का काम करेगा। मैं खुद से करूंगा इसको। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, चाहे गृह मंत्री आ जाए, चाहे और कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, 9 नंबर की चप्पल तुम्हारे सामने टली रहेगी हमेशा। मुख्यमंत्री आ जाए, 9 नंबर की चप्पल तुम्हारे सामने टली रहेगी हमेशा। तुम तो कुछ भी करने वाले नहीं हो। और यही नहीं, तुम्हारी बदनामी, दतिया के कलेक्टर की बदनामी, एसपी की बदनामी, दतिया के बीजेपी के नेताओं की बदनामी, यहाँ के पुलिस अधिकारियों की बदनामी, पुलिस की बदनामी, थानेदारों की बदनामी, मैं दिल्ली से लेकर के कम से कम 10-12 राज्यों में तुम्हारी बदनामी करूंगा। मैं राष्ट्रपति के सामने भी धरने पर बैठ सकता हूं, मैं राज्यपाल के सामने धरने पर बैठ सकता हूं, मैं कहीं भी धरने पर बैठ सकता हूं। और मैं ये साबित कर सकता हूं कि दतिया की पुलिस पुलिस नहीं है, इसने झूठी कसम खाई है। देशभक्ति जनसेवा इस थाने में जो लिखा हुआ है, देशभक्ति जनसेवा, ये झूठ लिखा है। इनकी वर्दी पर झूठ लिखा है कि 3 स्टार लगे हैं, अशोक लगा है, ये झूठा है। ये पुलियत पुलिस नहीं है, ये दतिया की पुलिस नहीं है, ये पुलिस की वर्दी में जे हत्यारे है ये अपराधी है, और इनमें जे हत्यारे है ये अपराधी है, और इनकी जगह अब थाने में नहीं, इनकी जगह है एसपी दफ्तर।